हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्कर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिसिन। सो आफ्टर द टू पार्ट्स ऑफ थेरापेटिक्स ऑफ कैंसर फ्रॉम बोरिक मेटेरिया मेडिका, दिस थर्ड पार्ट हैव इट्स ओन इम्पोर्टेंस। लेट अस गो थ्रू इट। सो इन द पार्ट थ्री वी विल बी डिस्कसिंग सीए बोन, वेस्कुलर ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, सीए स्किन and general medicines for cancer. The most important part of this presentation is general medicines for cancer, which you should not skip for, okay? And if you have not seen two other parts, so please go through part first and part second, in which we have already discussed a lot of cancers. So let's begin with CA bone. Here there are two very important medicines. One is Calcarea florica, which we already use in different types of benign tumors. So here it is Calcarea flor, osseous tumors, ganglia or encystic tumors at the back of the wrist. So in the cases of ganglia and different types of bone tumors. Next one is Calium iodatum, again here bony tumors of the orbit, so especially it acts on the bones of orbit. So next we move towards vascular tumors. Again the medicine is Calcarea florica. Blood tumors of newborn infants, so you can see the image on the right side, it is a type of hemangioma what you can see. And chief remedy for vascular tumors with dilated blood vessels and for varicose और एनलार्ज्ड वेन्स, सो ब्लड ट्यूमर्स मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के वेस्कुलर ट्यूमर्स मिल सकते हैं, साथ में वेरिकोज वेन्स, एनलार्ज्ड वेन्स, ये सब आपको देखने को मिलेगा, सो यू कैन प्रिस्क्राइब देयर Calcarea flor. सो इन बोरिक फॉर ब्रेन ट्यूमर्स अ सिंगल मेडिसिन इज गिवन, और सिर्फ ब्रेन ट्यूमर लिखा हुआ है, द मेडिसिन इज Mercurius auratus. सो अब बात करते हैं स्किन कैंसर्स की. एज वी ऑल नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर. वन इज बेजल सेल कार्सिनोमा, सेकेंड वन इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड थर्ड वन इज मिलेनोमा. टू यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, बेजल सेल कार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और मिलेनोमा नेक्स्ट स्लाइड में है, जो कि हम हाउ टू डायग्नोस स्किन डिजीजेज वाले में भी देख चुके हैं. सो हेयर फर्स्ट मेडिसिन इज हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस, कैंसर्स फॉर्मेशंस इन स्किन. तो किसी भी तरीके का कैंसर होगा वहाँ पे वी कैन यूज हाइड्रेस्टिस कैन. सेकेंड वन इज Calium arsenicum. सो Calias बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्किन में बहुत अच्छा काम करती है. और वहीं क्योंकि Calium जो है, Calium स्किन के ऊपर एक्ट करके कैंसर प्रोड्यूस करता है जनरली भी. सो Calias स्किन कैंसर वेयर सडनली एन अलार्मिंग मेलिग्नेंसी विदाउट एनी एक्सटर्नल साइंस सेट्स इन, अचानक से एक मेलिग्नेंसी देखने को मिलती है तो वो Calias है. तो वो अचानक जो है वो बेजल सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, तो वहाँ आप Calias को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इन द कंटिन्यूशन ऑफ सीए स्किन, यहाँ आपको मिलेनोमा दिख रहा है, ओके. एंड यूफोरबियम इज द मेडिसिन, अल्सरेटिंग कार्सिनोमा एंड एपिथीलियोमा ऑफ द स्किन. नेक्स्ट इज कोनायम मैक, स्किन ट्यूमर्स, अगेन पियर्सिंग पेन्स, वर्स एट नाइट. सो कोनायम में स्किन के कैंसर हैं, स्किन ट्यूमर है, और दो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो पियर्सिंग टाइप का पेन और दूसरा वो पेन कब एग्रवेट होता है, रात के टाइम. सो नाउ लेट अस मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, दैट इज जनरल मेडिसिन फॉर कैंसर. सो फर्स्ट वन इज कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम, इट्स वेरी यूजफुल to restrain the growth of cancer. So बढ़ते हुए कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम. सेकेंड वन इज सिनेमोनम कैंसर, वेयर पेन एंड फीटर आर प्रेजेंट. सो किसी भी टाइप का कैंसर हो जहाँ पे दर्द और फीटर मीन्स बदबू है, ऐसे कैंसर में आप सिनेमोनम यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अपन मूव करते हैं सिस्टस कैनेडेंसिस. सो इसमें क्या है, ल्यूपस, कैरीज, ओपन ब्लीडिंग कैंसर, ओपन ब्लीडिंग कैंसर यहाँ पे हैं. द नेक इज स्टडेड विद ट्यूमर्स, मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द नेक. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगाई गई है, वो एक्चुअली थायराइड कैंसर की है, बट यहाँ ये बात कर रहा है नेक के ट्यूमर्स की.
ग्लैंड्स के मेलिग्नेंट डिजीज़। सो इसलिए थायराइड कैंसर की लगाई गई कि जितने भी ग्लैंड्स हैं अगर उनकी कहीं ना कहीं कैंसर है तो वहाँ आप सिस्टर स्कैन यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर कोई कैंसर मेटास्टेटाइज कर गया है नेक में, मतलब वहाँ के लिम्फ नोड्स वगैरह बढ़े हुए हैं, तो वहाँ आप सिस्टर स्कैन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉरिडेलिस। कॉरिडेलिस में कैंसर केकेक्सिया प्रोनाउंस्ड, सो कैंसर की वीकनेस को दूर करने के लिए अपन कॉरिडेलिस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज एकिनेशिया। एकिनेशिया इज़ अ वेरी ग्रेट एंटीसेप्टिक, लास्ट स्टेजेस ऑफ कैंसर टू ईज पेन। सो देर आर मैनी मेडिसिंस टू ईज पेन इन कैंसर डिजीज, वन ऑफ दैम इज़ एकिनेशिया। नेक्स्ट वन इज़ गैलियम एपेराइन, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। सो हैज़ पावर ऑफ सस्पेंडिंग और मॉडिफाइंग कैंसरस एक्शन, सो जो कैंसरस एक्शन है, कैंसरस ग्रोथ है, उसको कम करता है। सो जस्ट लाइक कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम, जो हमने रीस्ट्रेन द ग्रोथ की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पे भी कैंसरस एक्शन को कम करता है। आफ्टर एकिनेशिया एंड गैलियम, वन अनदर मेडिसिन इज होंगनैन, कैंसर ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पे भी ग्लैंड्स के कैंसर हैं, और रिमूव्स फीटर एंड हेमरेज इन कैंसर, इट रिवाइव्स द हीलिंग प्रोसेस। तो ये अभी तक की जितनी अपन ने 6 मेडिसिन पढ़ी, सब का काम एक साथ कर रही है होंगनान, मतलब ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के कैंसर को कवर कर रही है, और फीटर और हेमरेज जो है उसको भी कवर कर रही है, जो कि सिनेमोनम में था, प्लस कार्बोनियम सल्फ्यूरेटम, और इसके साथ साथ गैलियम एपेराइन वाला जो काम था, जो कि हीलिंग प्रोसेस को करना, वो भी होंगनान कर रही है। नेक्स्ट इज हाइड्रिस्टिस कैन, अ वेल नोन रेमेडी फॉर कैंसर। सो कैंसर एंड कैंसरस स्टेट बिफोर अल्सरेशंस व्हेन पेन इज द प्रिंसिपल सिम्टम, तो ऐसे कैंसर्स जहाँ पे पेन मेन सिम्टम है, आप जे एच क्लार्क की पढ़ेंगे बुक्स, तो वहाँ पे उन्होंने हाइड्रिस्टिस कैन को बहुत सारे टाइप्स के कैंसर में यूज़ किया है। नेक्स्ट वी कम टू कैलियम फॉस्फोरिकम। आफ्टर रिमूवल ऑफ कैंसर व्हेन इन हीलिंग प्रोसेस द स्किन इज ड्रॉन टाइट ओवर द वुंड एंड सस्पेक्टेड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। सो दो कंडीशन में आप कैलीफॉस यूज़ कर सकते हैं, एक तो कि अपन सर्जरी कर चुके हैं उसके बाद में स्किन टाइटनेस वगैरह हो रही है, वहाँ पे कैलीफॉस यूज़ करनी है। सेकेंड, अगर आपको लगता है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, सस्पेक्टेड हैं कि हो सकते हैं, वहाँ आप कैलीफॉस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेलेंड्रियम, एफिकेशियस इन क्लीनिंग द रेमिनेंट्स ऑफ कैंसरस डिपॉजिट्स। सो सेम जैसा कैलीफॉस काम करती है, वैसा ही मेलेंड्रियम काम कर रही है कि कोई कैंसरस डिपॉजिट, कहीं कोई किसी तरीके का रेडियोथेरेपी के बाद, सर्जरी के बाद अगर कुछ रह गया है, तो उसको मेलेंड्रियम कवर करेगी। नाउ फॉस्फोरिकम एसिडम, जैसे कि मैंने बात करी थी, बहुत सारी ऐसी मेडिसिंस हैं जो कि पेन रिलीवर है, जस्ट लाइक फॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो यूजफुल इन रिलीविंग पेन्स ऑफ कैंसर। कार्सिनोसिनम हम पहले भी बहुत जगह बात कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा, जहाँ पे भी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री रही है, कार्सिनोसिनम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। 200, 1 mm, 10 mm तक आप जा सकते हैं, और इसको डॉक्टर सुनिमल सरकार ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है, जहाँ पे भी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री मिलती है। नेक्स्ट इज कैल्केरिया सल्फ्यूरिका, सिस्टिक ट्यूमर्स के लिए, जहाँ पे भी सिस्टिक ट्यूमर्स प्रेजेंट है, द मेडिसिन इज कैल्केरिया सल्फ। मर्क्यूरियलिस पेरेनियस, ट्यूमर एट एंसीफॉर्म अपेंडिक्स, वेरी सेंसिटिव, सो अपेंडिक्स का किसी भी टाइप का ट्यूमर होगा तो वहाँ पे मर्क्यूरियलिस पेरेनियस इज द मेडिसिन। नेक्स्ट इज नेट्रम सिलिको फ्लोरिकम, कैंसर रेमेडी ट्यूमर्स, बस इतना सा मेंशन है, तो इस पे रिसर्च की जरूरत है। नेट्रम सिलिको फ्लोरिकम में जहाँ पे भी कैंसर रेमेडी बताई जा रही है। नेक्स्ट इज प्लेटिनस ऑक्सीडेंटलिस, टार्सल ट्यूमर्स स्पेशली आईलिड्स में होते हैं, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी मेडिसिन है टार्सल ट्यूमर्स की, जैसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सीपी ऑफिसिनेलिस, और साइलिशिया टेरा में इंड्यूरेटेड ट्यूमर्स हैं, एंड नेक्स्ट इज टिक्रियम मैरम वेरम में टार्सल ट्यूमर्स हैं, स्टेफिसेग्रिया भी उसके कंपेरिजन में दी हुई है, थूजा ऑक्सीडेंटलिस में टार्सल ट्यूमर्स हैं। सो दीज आर द मेडिसिन फॉर टार्सल ट्यूमर्स। नेक्स्ट लास्ट मेडिसिन इन जनरल मेडिसिन इज लोबेलिया। सो लोबेलिया में क्या है, मेलिग्नेंट ग्रोथ्स, एक्सट्रीमली रैपिड डेवलपमेंट, कोलॉइड कैंसर ऑफ द ओमेंटम, कॉक्स क्रीव लाइक पेन्स इन एब्डोमन, मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ द फेस एंड एपिथीलियोमा। इसमें बहुत सारे टाइप के कैंसर हैं। सो अपने आप में सबसे पहले उसने बोला मेलिग्नेंट ग्रोथ्स,
जितनी भी मैलिग्नेंट ग्रोथ्स हैं वो सब इसमें आएंगी। बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है, उस डेवलपमेंट को रोकने के लिए एब्डोमिनल मैलिग्नेंसीज जितनी हैं उन सब में, ओमेंटम का कैंसर है, एब्डोमिनल जितनी भी मैलिग्नेंसीज हैं वहाँ पे जहाँ पेन हो रहा है वहाँ की मेडिसिन है, प्लस फेस के मैलिग्नेंट डिजीज़ किसी भी तरीके की और एपिथीलियोमा की, सो मेडिसिन इज लोबेलिया एरिनस। सो हेयर विद द थर्ड पार्ट वी हैव कम्प्लीटेड आर ह्यूज प्रेजेंटेशन थेरापिटिक्स ऑफ कैंसर फ्रॉम बोरिक मिट्रिया मेडिका। सो तीनों पार्ट देखिएगा और मेडिसिन नोट करके रखिएगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल इन योर प्रैक्टिस इन मैनेजिंग कैंसर केसेज विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच।